दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो है कृषि कोष। दोस्तों हम जानते हैं कि कृषि कोष एक इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम है और इसके अंदर आप वेरियस टाइप के डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं और वेरियस डिसिप्लिन के, जैसे आप देख रहे होंगे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, प्लांट पैथोलॉजी लाइक दिस, और डिफरेंट टाइप के टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप ले सकते हैं, जैसे बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स, थीसिस। तो आज जो मेरा विषय है वो है कि थीसिस किस तरीके से इसमें सर्च करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, गूगल में जाके लिखना है कृषि कोष। जैसे आप कृषि कोष लिखेंगे आपको इस तरीके से ये दिखाई पड़ेगा, पहला लिंक आपको दिखाई पड़ेगा कृषि कोष होम। कृषि कोष होम पर आप क्लिक जब करेंगे तो आपको इस तरीके की वेबसाइट दिखाई पड़ेगी जो कि कृषि कोष है। कृषि कोष में आप वेरियस टाइप के डॉक्यूमेंट जैसे ले सकते हैं, ये सर्च करते हैं। इसमें क्या करना है, हमने सबसे पहले आप देखेंगे फिल्टर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, डिफरेंट फिल्टर्स। सबसे पहले आपको बताता हूँ कम्युनिटी वाइज भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे ये है कम्युनिटीज मतलब कि जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम, जैसे ये देख रहे हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर एक्सप्लोर कम्युनिटी कर आप उनकी उसका डेटाबेस उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का आप देख सकते हैं। बाकी आप अगर इसमें आपको नहीं दिखता तो आप यहाँ पर एक्सप्लोर ऑल कम्युनिटीज में जाकर आप अपनी कम्युनिटीज़ को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपको नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करना है तो आप यहाँ पर एक्सप्लोर ऑल कम्युनिटीज पर क्लिक करके आप वहाँ पर कन्फाइन कर सकते हैं अपनी सर्च को एक इंस्टीट्यूट के लेवल पर। अब आगे देखिए इसमें फिल्टर्स में क्या है, आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ऑथर आपको मिल जाएंगे, जैसे कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर वेटनरी एग्रीकल्चर साइंस का है। इसके अंदर कितने डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, KU इतने डॉक्यूमेंट्स, तो बालाचंद्रन जैसे कोई ऑथर है इस नाम से 570 डॉक्यूमेंट्स हैं। शो मोर में करके आप और इस तरीके से शो मोर करके आप और सर्च कर सकते हैं, और जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपको सर्च करने लगेगा, आपको इसमें एंटर या कुछ नहीं करना है। फिर आता है डेट। अगर आप डेट को देखना चाहते हैं, आप डेट में डेट आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कहाँ से कहाँ तक के डॉक्यूमेंट सर्च करने हैं, तो इस तरीके से आप अपनी सर्च को कन्फाइन कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे 1969 से 2021 तक चाहिए, या और कम भी आप इसको कर सकते हैं, जैसे 1990 से आप 2021 तक देखना है, तो आप इस तरीके से अपने डेट को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिर आता है कंटेंट टाइप्स में आते हैं। कंटेंट टाइप में क्या है, थीसिस, जर्नल, आर्टिकल, कितने नंबर्स यहाँ पर थीसिस के आपको शो कर रहा है, अदर्स, रिपोर्ट। मैं थीसिस की बात कर रहा हूँ तो आज हम थीसिस ही सिलेक्ट करेंगे। तो मैं जैसे ले लेता हूँ कि डेट मैं 1991 से 2021 का मैंने सेट कर दिया टाइम स्पान, पीरियड ऑफ स्पान। तो कंटेंट टाइप आप जैसे कि थीसिस मैंने यहाँ पर ले लिया, सिलेक्ट कर लिया थीसिस, आपको कुछ नहीं करना, अपने आप सिलेक्ट करेगा। सब्जेक्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्जेक्ट को भी आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे एनिमल न्यूट्रिशन, मैं यहाँ पर एनिमल न्यूट्रिशन पर जाना चाहता हूँ। थीसिस टाइप MSc है या PhD है, मैंने मान लीजिए MSc ले लिया। रेटिंग काउंट से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे रेटिंग काउंट जो कि 5 रेटिंग है जिसकी की, या 4 रेटिंग है, इस तरीके से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली आप देख लीजिए, जैसे मैंने फिल्टर्स लगाए हैं ऑटोमेटिकली सर्च करना स्टार्ट कर दिया इसने, और ये आपको रिजल्ट यहाँ पर शो कर दिए हैं। रिजल्ट्स आए हैं आपके 90,795, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से मिल गया। अब आप यहाँ देखिए कि रिजल्ट्स आपके आ चुके हैं इस तरीके, जो हमने फिल्टर लगाया है वो टाइम पीरियड इसका वही होगा जो हमने फिल्टर्स लगाए हैं। दूसरा है कि क्योंकि डॉक्यूमेंट्स काफ़ी हैं, आप यहाँ पर फिर अपने को कर सकते हैं कन्फाइन, अगर आपका ठीक है यहाँ मिलता है तो आप सर्च कर सकते हैं, बाकी आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं। जैसे सर्च इन देखिए ऑल कृषि कोष है, ऑल कृषि कोष में सर्च ना करके आप अगर चाहते हैं कि मैं खाली अपने नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट में जाना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्लिक कीजिए
और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। फॉर मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, जैसे कि मुझे सिलेक्ट करनी है निशांत, निशांत नाम से मुझे सर्च करना है। तो मैं जैसे यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का कर लिया है और जो ऑथर का नेम है फॉर्क करने के लिए मैंने यहाँ पर गो कर दिया। यहाँ पर क्लिक करेंगे हम गो पर तो इट विल स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम द डेटाबेस और आपको रिजल्ट्स कुछ आपके कम करेगा क्योंकि हमने अपनी सर्च को अब देखिए 119 रह गया है रिकॉर्ड्स जो हैं और ये 1 से 12 रिकॉर्ड दिखा रहा है। मैं इसको यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, रिलेवेंस में भी जा सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं। अब देखिए ये मैंने जैसे निशांत करके किया था तो ये मैंने ये इस तरीके से आ गया है। ये पटेल ब्रिजेश आप सोच रहे हैं यहाँ निशांत नहीं है लेकिन हो सकता है इसके एडवाइज़र में निशांत हो। जैसे हम क्लिक करके यहाँ देखेंगे तो इसको क्लिक करेंगे तो अगर एडवाइज़र में भी अगर निशांत होगा तो ये सर्च करेगा। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, अब ये देखिए तो ये ऑथर है पटेल ब्रिजेश, ये इसका टाइटल हो गया थीसिस का, लैंग्वेज ये MBSC की थीसिस है और आप यहाँ देखेंगे अगर डेट ऑफ इशू 2016 ये कुमार निशांत, एडवाइज़र क्या है कुमार निशांत थे इसलिए इसने इसको सर्च किया, पब्लिशर नंबर ऑफ पेजेस और ये आप यहाँ पर इसकी स्टेटिस्ट एनालिसिस भी देख सकते हैं कि व्यूज़ कितने हो गए, डाउनलोड कितना हुआ, रेटिंग क्या है और रिकमेंड कितना है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं इस थीसिस को तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर दें और ये सर्च ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। कृषि को व्यूअर में आप जा सकते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर खाली इसको रीड कर सकते हैं और अगर ये विजिबिलिटी नहीं हो रही है तो ये इसका मतलब ये है कि वो अभी एम्बार्गो पीरियड में है। एम्बार्गो पीरियड का मतलब होता है कि उस पीरियड तक आप यानी किसी यूनिवर्सिटी का 1 साल भी हो सकता है, किसी का 2 साल भी हो सकता है, उस पीरियड में आपको ये विजिबल नहीं होगी, ओनली मेटा डेटा आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये डाउनलोड हो गई है, ये टाइटल आ गया, ये मास्टर वेटनरी साइंस हो गया, ब्रजेश पटेल ऑथर हो गया। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, पूरी थीसिस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे डॉक्टर निशांत कुमार ये मेजर एडवाइज़र हो गए इसके, तो इस तरीके आप दे सकते हैं। अगर एम्बार्गो पीरियड में है तो आप खाली मेटा डेटा दे सकते हैं यहाँ पर, मेटा डेटा कि टाइटल क्या है, एडवाइज़र क्या है, ऑथर क्या है, इश्यू डेट क्या है, ये इस तरीके से आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हो गया कि आपने थीसिस कैसे देखनी है। अब मान लीजिए आप और भी इसको करना चाहते हैं कन्फाइन, तो आप एक फ़िल्टर और ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सर्च में इंस्टीट्यूट का नाम और ये अपना ऑथर का नाम लिख दिया है, ऐड फिल्टर और भी आप कर सकते हैं। जैसे कीवर्ड, यानी मैं चाहता हूँ कि टाइटल में या किसी में कोई भी कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। मैं जैसे टाइटल दिखा रहा हूँ आपको, टाइटल में कंटेंस इक्वल नॉट इक्वल क्या है, मैं चाहता हूँ कंटेंस, क्योंकि टाइटल में कोई कीवर्ड कंटेन है तो वो दिखाए। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ करण फ्रीज मान लो हम ले लेते हैं करण, ठीक है, और मैं इसको ऐड पे क्लिक करूँगा तो ये ऐड हो जाएगा मेरा इसमें, तो ये आपको फिर शो करेगा, ये स्टार्ट हो जाएगी सर्चिंग ऑटोमेटिकली। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली सर्च करेगा और वही आपको दिखाएगा जिसके अंदर करण नाम से कंटेंट होगा, जिसके टाइटल में होगा। अब सर्च देखिए 8 रह गए खाली। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे ये देखिए टाइटल में फ्रीज आ गया, यहाँ करण आ गया, करण फ्रीज आ गया, क्योंकि करण हमने यहाँ पर कीवर्ड दिया था। तो आप जो भी देखेंगे उसमें टाइटल में करण फ्रीज होगा। जैसे इसको ले लेते हैं हम और ये देखिए इफेक्ट ऑफ पॉली हर्बल मिक्सचर सप्लीमेंट ऑफ पोस्ट प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ करण फ्रीज, तो टाइटल में क्योंकि मैंने कंटेंस करके लिख दिया था कि करण, तो इस तरीके से आप किसी भी उसको आप यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड को। और ये पेजेस कितने हैं डिटेल यहाँ पर आ गई कि एडवाइज़र कौन है, ये सब PhD थीसिस है ये, और व्यूज़ कितने हैं, और यहाँ पर आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स आप भी देख सकते हैं आइटम के कि आइटम्स व्यू कब कब हुआ है, कि ये देखिए सितंबर 2020 में ये व्यू हुआ है, अक्टूबर में 7 बार व्यू हुआ है, 5
बात चल रही थी कि हम किस तरह से इसको देख सकते हैं, इसकी आइटम एनालिटिक्स को, कि कितनी बार ये व्यू ऊपर जो है ये व्यूज़ है और नीचे डाउनलोड्स दिखा रहा है। तो डाउनलोड ये एक बार हुआ है अक्टूबर 2020 में, फिर ये एक बार नवंबर 2020 में, और दिसंबर में भी है, क्योंकि हमने इसको डाउनलोड नहीं किया इसलिए अभी ये नहीं शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि कितने इसको स्टार्स हैं, और यहाँ पर कमेंट भी आप दे सकते हैं कि कमेंट अगर आप चाहते हैं ऐड कमेंट करके तो इसको कर सकते हैं, ऐड कमेंट भी आप दे सकते हैं। बात आ रही थी कि फिल्टर्स हमने यहाँ पर जैसे देखा था कि, तो जैसे कीवर्ड से मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कीवर्ड्स आप में ऑथर भी अगर जैसे ऑथर लेते हैं, फिर इक्वल्स ही भी ले सकते हैं, कंटेंस या नॉट इक्वल्स, नॉट कंटेंस करके, कंटेंस है तो आप कंटेंस में डाल के उसका ऑथर का नाम देंगे, तो इस तरह से कीवर्ड या कोई पर्टिकुलर आपका कीवर्ड है टाइटल के अंदर, तो कंटेंस करके या नॉट कंटेंट, नॉट इक्वल्स या इक्वल्स करके आप इस तरीके से इसको अपने फिल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये शो करेगा। तो बात है कि एम्बार्गो पीरियड में अगर वो है तो आपको खाली मेटा डेटा ही शो करेगा, क्योंकि कई बार होता है कि यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटीज डिपेंड करता है, वेरी करता है कि किस प्रकार से उसको एम्बार्गो पीरियड 1 साल का है कि 2 साल का है। अगर एम्बार्गो पीरियड में नहीं है तो आपको विजिबल होगा, अगर नहीं, अगर है तो नहीं शो करेगा। और ये जो कृषि कोष का है बीटा वर्जन है, ये नया वर्जन आया हुआ है जिसमें कि आप स्टेटिस्टिक्स आल्सो, यू कैन सी आल्सो स्टेटिस्टिक्स ऑफ द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, तो ये इसका इसका एक फ़ायदा है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मेरा आज ये था कि हम किस तरीके से थीसिस को सर्च कर सकते। धन्यवाद दोस्त, धन्यवाद।